नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। NTA NEET के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया नोटिफिकेशन आया है जो मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ इस वीडियो पर शेयर करना है। तो सबसे पहले आपको NTANEET.NIC.IN का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन आया है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे न्यूज़र इवेंट में तो आपको यह नीचे में नीट UG मॉक टेस्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिटेल दिखी हुई है। ध्यान रखिए NTANEET.NIC.IN यह जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है वह 100% ऑथेंटिक और वेरीफाइड रहते हैं। तो यहाँ पर डेट जो है 25 अप्रैल 2019 है और नोटिस में लिखा है कि एज यू आर अवेयर NTA इज कंडक्टिंग नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन 5 May 2019 इन पेन एंड पेपर मोड। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट NTA इज हेल्पिंग द नीट एस्पिरेंट्स एंड प्रोवाइड देम क्वेश्चन पेपर एंड आंसर कीज ऑफ प्रीवियस ईयर एज नीट मॉक टेस्ट सो दैट द कैंडिडेट कैन गेट सम प्रैक्टिस ऑन ओल्ड नीट क्वेश्चन पेपर एंड गेट टू नो द करेक्ट आंसर थ्रू आंसर कीज अवेलेबल इन मॉक टेस्ट। फॉर दिस प्लीज लॉग इन टू NTA.AC.IN. You may select NEET mock test and proceed to download the question paper and perform it. तो ध्यान रखें यहाँ पर क्या लिखा है कि पुराना जो भी NEET के पेपर है NEET 2018, 17, 16, 15 जितने भी पहले के NEET पेपर है वो सभी ऑफलाइन अवेलेबल है NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वह मैं आपको खोल के बता देता हूँ। उसके लिए आपको NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो है NTA.AC.IN। तो यहाँ जो है मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल कर रखी है और ध्यान रखिए यहाँ बात की गई है प्रीवियस ईयर नीट के पेपर की। तो प्रीवियस पेपर से भी क्वेश्चन जो है कभी कभी रिपीट होते हैं, लेकिन बस ये जनरल आइडिया के लिए है। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर से नहीं है, लेकिन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन कौन से टॉपिक छूट गए हैं। तो NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको नीट मॉक टेस्ट करके एक बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और आपका डाउनलोड जो है शुरू हो जाएगा प्रीवियस नीट के पेपर के। यहाँ पर आपको आंसर की भी मिल जाएगी। तो इतनी सी खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।